सर लास्ट जो होम्स लॉ तक हमने कर लिया, होम्स लॉ के बाद जो एलडीआर वगैरह वो इसमें पोटेंशियल डिवाइडर के भी एप्लीकेशन में यूज होते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली आपके पास वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब नॉर्मली ये होता है कि अगर हमें एक स्पेसिफिक पार्ट में पोटेंशियल या वोल्टेज को डिवाइड करना है कंटिन्यूअसली, या हम उसमें वेरिएशन लाना चाहते हैं, तो फिर हम जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर को यूज करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का आपके पास कॉन्सेप्ट इस तरह से बनता है कि इसमें अब हमें लगाना होगा रेजिस्टर, क्योंकि अभी हमने ओम्स लॉ में देखा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही थी तो वोल्टेज भी बढ़ रहा था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें और उसी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसी से लिंक करते हुए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हम रेजिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो रेजिस्टेंस दो तरह की होती है, मतलब एक हम सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइंड करते हैं और एक हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस का थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू लें, तो रेजिस्टेंस आपके पास दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं हम, एक सीरीज के थ्रू और एक जो है वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू। अब आप ये बताओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होती है फाइनल या इक्विवेलेंट वो ग्रेटर आती है या सीरीज में? अच्छा, सीरीज का पैरेलल फॉर्मूला के अंदर रेजिस्टेंस मिनिमम आती है, मिनिमम, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला भी याद होगा, R1 + R2 + R3, ठीक है। और इसमें जो था वो रेसिप्रोकल करके फॉर्मूला था, 1/R = 1/R1 + R2 + R3। तो खैर इसमें इसकी डेरिवेशन भी आती है शॉर्ट एक दो मार्क के लिए, वो भी हम देख लेंगे किस तरह से ड्राइव करते हैं। अब पोटेंशियल डिवाइडर पे वापस आते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर में अब हमें ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में हाई होती है, तो हमें इसका मतलब है दो रेजिस्टर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उन दोनों को हमें सीरीज में लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि एक साइड पर आपने कनेक्ट कर लिया सिंपल बैटरी को और दूसरी साइड पर यहाँ पर हमारे पास बैटरी आ गई। और यहाँ से जो वोल्टेज होगा उसे हम कंसीडर करेंगे इनपुट वोल्टेज, और फर्दर जो आपके पास यहाँ से कंडक्टर मूव कर रहा है उसको हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टर से। ये आ गया हमारे पास एक रेजिस्टर, और इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आएगा दूसरा रेजिस्टर, इसे ये हटा देते हैं क्योंकि रेजिस्टर का सिंबल जो है वो ब्लैंक होता है बिल्कुल आपके पास रेक्टेंगल। ये आ गया सेकंड रेजिस्टर, और इसका जो अभी हमने आउटपुट लेना है ना, अभी हमने टोटल आउटपुट नहीं लेना, अभी हम आउटपुट लेंगे सिर्फ यहाँ से, ये हमें चाहिए यहाँ से आउटपुट और यहाँ से। ये आपके पास होगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टर की अगर हम मार्किंग करें तो ये वाला R1 हो गया, ये वाला R2। अच्छा, अब हमने बेसिकली पोटेंशियल को डिवाइड इस तरह से किया कि हमने दो रेजिस्टर लगा के दो सेक्शन बना दिए, एक हमारा रेजिस्टर 1 के साथ चल रहा है, उसके साथ कुछ भी आप आगे कनेक्ट कर लो तो वो रेजिस्टर 1 पे डिपेंड करेगा, और एक पार्ट जो है हमने स्पेसिफिक अपना R2 के साथ बना लिया। मतलब R2 हम यूज कर रहे हैं उसके लिए कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा R2 की वैल्यू पे, हम उसकी लेंथ को कितना इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। और इसके आगे हम ये भी देखेंगे कि इसके लिए डिवाइस कौन सी यूज होती है हमारे पास नॉर्मली जो हम लैब्स में यूज करते हैं। अब आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आ गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि इसका फॉर्मूला तो हम लिखेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर हम उसकी कुछ जर्नल चीजें डिस्कस कर लें तो उसमें कुछ जर्नल चीजें ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन
अच्छा ये जरूरी नहीं है आर टू पे आउटपुट लगाओ, आर वन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में लिखा होगा, बना हुआ होगा, तो आउटपुट किसी पे भी लगा हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं हर बार आर टू पे ही लगाएं, ठीक है। तो वो अभी बेसिकली हमारे पास आर टू पे लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिपेंड करेगा आर टू पे, कि उसकी आर टू की वैल्यू क्या है। तो लेट्स सपोज अगर हम आर टू की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर का मेन पर्पस है क्या? उसमें बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है कि हम सिंपल जो है वो, जो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल डिवाइडर नाम से आपको मिल रहा है कि जो टोटल वोल्टेज हमारा इनपुट आ रहा था ना, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, या दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अभी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे ना, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब आपके पास एक ही सोर्स है, ठीक है, आपके पास एक ही वोल्टेज सोर्स है, और आपने उससे वोल्टेज जो है ना वो दो अलग अलग कॉम्पोनेंट को अलग अलग वोल्ट सप्लाई करने, या सेम भी सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसको डिवाइड आपने इक्वल करना हो या अनइक्वल डिवाइड करना हो, तो उसके लिए फिर आप यूज करते हो पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। मतलब अगर हमें जैसे आउटपुट है ना, ये ओके नीचे वाला वी आउटपुट है, यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और उसके बाद पूरा सर्किट चल रहा है, लेकिन एक यहाँ पे कोई हमने स्पेशल कंपोनेंट लगाया हुआ है, लेट्स सपोज उसको हमें इतना ही आउटपुट देना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वहां पे उसके लिए एक स्पेसिफिक रेजिस्टर लगा देंगे। तो वोल्टेज जब आएगा सीरीज में, तो पास होते हुए वहां सिर्फ उतना वोल्टेज सप्लाई करेगा जितना हमने रेजिस्टर के अकॉर्डिंगली वहां सेट करना था। तो ये काम होता है पोटेंशियल डिवाइडर का। ओके तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट की वैल्यू स्लो जाती है, और आपके पास पोटेंशियल में गैप बनना शुरू होता है, तो फिर हाई और लो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस बढ़ाने के कॉन्सेप्ट में। और इसका ऑपोजिट होगा कि अगर आप आर टू को डिक्रीज कर रहे हो, तो आपके पास जो है वो वोल्टेज की वैल्यू भी आउटपुट वाली डिक्रीज हो जाएगी। और फर्दर जो इसका मेन पर्पस था, तो अब इसका आपको मेन पर्पस भी क्लियर हो गया। तो इसके पर्पस में से एक पर्पस ये है, तो इनेबल अ स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हम उसके लिए यूज करेंगे। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं इक्वल या अनइक्वली, क्योंकि अभी हमने ऊपर कोई कनेक्शन नहीं लिया हुआ, हमें सिर्फ नीचे आउटपुट चाहिए इस वजह से। सो टू स्प्लिट, सर, इससे दोनों रजिस्टर्स के अंदर जो करंट है वो डिफरेंट हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप इसमें ऊपर वाला जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू कम कर दो, तो ऑटोमेटिक जो है वो नीचे वाले पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, फिर नीचे वाले सर, करंट तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा दोनों रजिस्टर्स में, क्योंकि वो सीरीज में है। सीरीज में होगा, लेकिन आपके पास जो आउटपुट का कनेक्शन है वो उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसमें आपके पास वोल्टेज में चेंज आएगा, करंट मतलब नॉर्मली तो फ्लो ओके करेगा सेम, ठीक है। तो अब आपके पास इसको स्प्लिट करना हो पोटेंशियल डिफरेंस को, अब आपके पास दो सोर्स हम यूज कर रहे हो या दो से ज्यादा कंपोनेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि आपके पास जब ऊपर वाली रेजिस्टेंस कम होगी ना, तो करंट से आपको ये इफेक्ट होगा कि करंट तो फ्लो कर रहा था, लेकिन जब रेजिस्टेंस से पास होगा ना, तो उसका अगर हम वोल्ट मेजर करेंगे तो वो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस कम की है, तो वहां से चार्जेस जो है वो तेजी से पास होंगे। अब इसका मतलब ये उनका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। और फाइनली अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, तो इसका फॉर्मूला सिंपल हम इस तरह से मेंशन करते हैं कि जो भी हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना था वो आ गया यहाँ पर इक्वल टू। अच्छा एक चीज अब इम्पोर्टेंट ये कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास आउटपुट पे लगी थी वो आएगी न्यूमिरेटर में, मतलब ये कि अगर हमारे पास आर वन के साथ आउटपुट लगा होता,
तो हम R2 की जगह R1 लिख रहे होते, फिर हम R2 नहीं लिख रहे होते बार बार। तो जो आपके पास आउटपुट पे लगा होगा रेजिस्टर वही आएगा न्यूमिरेटर में, और डिनोमिनेटर में दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इनपुट वोल्टेज से। ठीक है, मतलब लेट सपोज अगर आपके पास R1 की वैल्यू गिवेन होती 20 किलो ओम्स, और R2 की वैल्यू गिवेन होती 12 किलो ओम्स, और इनपुट वोल्टेज आपके पास कुछ लेट सपोज 6 वोल्ट का गिवेन होता, तो ये आपके पास वैल्यूज गिवेन है। तो आपने जो है वो V आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और लेट सपोज अगर ये V आउटपुट R1 के साथ लगा होता, तो फिर आप क्या करते हैं इस फॉर्मूला को R2 को आप रिप्लेस करते हैं R1 से, अगर आपके पास आउटपुट इसके साथ कनेक्ट होता, तो इफ आउटपुट सर, वोल्ट। अगर दो रजिस्टर्स हो, दो पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर, तो फिर क्या करेंगे हम? एक मिनट वो भी बता देता हूँ, इस पे R1। अच्छा अब आप क्या कह रहे थे, दो रेजिस्टर्स हो, पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर ना, लाइक जो वी आउट है, वो दो हाँ दो उसके दो वो दो समझ रजिस्टर्स हो उसके। गया। अच्छा अब आपका ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो कनेक्शन हो जाए, तो अब उन दो कनेक्शन में आपने सिंपल पता है फिर क्या करना है, आपने उनका कनेक्शन देखना है, अगर वो दोनों सीरीज में तो उनकी रेजिस्टेंस सिंपल ऐड कर लो और फिर उसको फॉर्मूला में लिखो। ठीक है, मतलब अगर मैं एक छोटा सर्किट यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ रफ, तो लेट सपोज ऊपर एक रेजिस्टर आ गया, उससे हमारा कोई अभी लिंक नहीं है, नीचे हमारे पास जो है वो दो रेजिस्टर्स आ गए, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन आ गया। ठीक है, और आपने कहा कि अब हम दो के साथ आउटपुट लगा दें, मतलब यहाँ से आउटपुट दे रहे हैं हम, ऐसा ही है ना। जी अब इसमें देखो दो कंडीशन है, या तो हम दोनों पैरेलल लगा सकते हैं या तो सीरीज में, वो मर्जी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आउटपुट तो मिल जाएगा, लेकिन आउटपुट निकालने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अब तीन हो गए ना, ये R1 R2 और R3, अब यहाँ पर तीन वैल्यूज हो गई, तो आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आप जो ऊपर वैल्यू लिखोगे वो इस बार आप ऐसे लिखोगे V आउटपुट इज इक्वल टू, अब इनकी रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज में आपको पता है सिंपल ऐड होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर R2 + R3 एड अप हो जाएगा क्योंकि सीरीज है, या तो आप इसको इंडिविजुअल कैलकुलेट करके भाई यहाँ लिख दो, उसको नई रेजिस्टेंस बना दो RA या कुछ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और बाकी सारी जो है वो नीचे ऐड हो जाएंगी R1 + R2 + R3। ये क्वेश्चन है भी पास पेपर में, कैसा उसमें कंबाइन उन्होंने दी है दो। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर बस इतना ही था। इसमें अब आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर में एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया जर्नल, इसमें था फिक्स रेजिस्टर लगा हुआ, और अगर आप इन फिक्स रेजिस्टर को रिप्लेस कर दो LDR और थर्मिस्टर से, तो फिर आपको पता है कि अगर आप थर्मिस्टर यूज करोगे तो थर्मिस्टर किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और LDR जो है वो लाइट पर। ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वर्स होता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं थर्मिस्टर में तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो अगर आप जो है वो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। ठीक है, और आपके पास वो लिंक होता है टेम्परेचर के साथ, और LDR जो लिंक होता है वो लाइट के साथ। यस। इसका मतलब ये या हुआ फिर कि वो वाला पास पेपर करें हम, जो हमने उस दिन छोड़ा था। ठीक है, इसको फिर यहीं पर रन करते हैं।